हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल चंदन कुमार ब्लॉग में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। उसी काम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के दोस्तों मेरे ब्लॉग का प्यार दीजिए ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके और आगे बढ़ सके। दोस्तों पीछे मेरा गाड़ी है और अभी देखिए दोस्तों यहाँ हमारे पीछे भैया लोग खड़े हुए हैं। चलिए हम उनसे मिलवाते हैं। देखिए ये है शंभू भैया, पीछे है दशरथ भैया, पीछे फौजी भैया हैं और पीछे सुमन भैया हैं और जय भैया हैं। अभी दिनकर हमारे मित्र आपसे दिनकर से रूबरू और जय भैया से तो रूबरू हुए होंगे मेरे ब्लॉग में। अभी और भैया लोग से आप रूबरू हो जाइए। देखिए शंभू भैया कितना फंटास्टिक लुक में है, पूरा दबंग स्टाइल में है दोस्तों। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, अभी और भी भैया लोग हैं उनके साथ अभी मिलते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ आपको दिखाएंगे दोस्तों। और अभी हम लोग चल रहे हैं पिकनिक बनाने के लिए मैथन दोस्तों। तो मैथन में आप लोग को मैथन का जितना खूबसूरत वादियाँ हैं वहाँ मिलाते हैं और कैसे पिकनिक बनाते हैं उसके बारे में आपको दिखाएंगे दोस्तों। बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए दोस्तों। एक भैया और भी अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं जो हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं, हमारे ऑफिस के बड़े बाबू सलेंदर भैया। देखिए अभी ड्राइव खुद कर रहे हैं और मतलब बहुत ही हैंडसम भैया हैं मतलब, और पूरा हम लोग काम काज में थोड़ा डांटते भी हैं, डपाटते भी हैं तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में दोस्तों। और इधर देखिए आप दिनकर से तो रूबरू हैं ही, दिनकर भी आ गया है। हाँ संत भी अभी आ रहे हैं, संत। हाँ एक भैया और भी पीछे से आ रहे हैं, देखिए हम दिखाते हैं। हाँ लीगल एडवाइजर है हमारे ऑफिस के संत भैया आ गए हैं। तो दशरथ भैया आप नहीं चल रहे क्या? देखिए दशरथ भैया मतलब बहाना बना दिए और फौजी भैया उधर बहाना बना दिए, वो लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग अभी हमारे ब्लॉक से आप लोग रूबरू होइएगा, हमारे ब्लॉक से रूबरू होइएगा, आपको दिखाएंगे पूरा जो पिकनिक का जितना इंटरेस्ट है वो। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अभी। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ निकल रहे हैं अपने कॉलोनी से पिकनिक की ओर, लेकिन अभी कुछ बंद भैया लोग रुके हुए हैं, अभी उनका वेट करेंगे हम लोग। अभी चल रहे हैं हम लोग चाय दुकान में, चाय पियेंगे वहाँ पे। दोस्तों देखिए अभी हम लोग यहाँ चाय दुकान पर आ गए हैं, पीछे भिगुच्छा चाय बना रहे हैं और यहाँ चाय हमको मिल गया है, चाय हम लोग पी रहे हैं। अभी पीछे दिनकर भी चाय पी रहे हैं, इधर सलेंदर भैया को अभी बिना चीनी वाले हैं, अभी बिना चीनी वाला इनको सलेंदर भैया को मिला नहीं है। इधर शंभू भैया भी बिना चीनी वाले हैं, इधर सुमन भैया जय भैया चीनी वाले हैं, मिल गया। हम लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। इधर निगार भैया भी हैं चीनी वाले, नदी। दोस्तों देखिए अभी हम लोग पिकनिक के लिए निकल चुके हैं, हम लोग गाड़ी चल चुका है। अब बीच में हमारे बड़े बाबू है निगार भैया, निगार भैया पूरा एकदम खतरनाक लुक लिया है, इनको ज्यादा ठंडा लग रहा है। इधर दिनकर भाई चला रहे हैं गाड़ी, इधर पीछे जय भैया है, नदीम भैया है, एजाज भैया भी पीछे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। अब आपके आगे का रास्ता दिखाता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी हम लोग आईएसएम पास किए हैं, अभी पीके रे कॉलेज आने वाला है, शाही दरबार क्रॉस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी हम लोग जब रास्ते में निकल रहे थे, देखिए यहाँ खाटू श्याम बाबा का भी जुलूस निकला हुआ है दोस्तों। देखिए देख सकते हैं आप, सभी जितने भी भाई लोग महिलाएं लोग हैं झंडा लेके, इनका निशान झंडा लेके शोभा यात्रा निकाले हैं दोस्तों। हाँ देख सकते हैं दोस्तों देखिए अभी हम लोग गोविंदपुर पहुंच चुके हैं। अब गोविंदपुर से हम लोग यहाँ दाएं मुड़ेंगे और मैथन के लिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग नेशनल हाईवे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग गोविंदपुर बाजार आने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी हम लोग खालसा होटल पार कर रहे हैं, देख सकते हैं खालसा कैलाश खालसा वाले। दोस्तों अभी हम लोग मैथन पहुंच गए हैं, मैथन यहाँ मोड़ पर हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग को बाएं कटना है। दोस्तों पिकनिक के लिए पूरा जबरदार भीड़ है यहाँ पे, अब बहुत ही जबरदस्त भीड़ होगा अंदर में। देखिए दोस्तों आगे सोमो है, बस है, ऑटो है, इसमें भर भर के गाड़ी पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक मनाने के लिए दोस्तों।
अब पूरा चहलकदमी है दोस्तों यहाँ पे, अच्छा बहुत भीड़ है। दोस्तों मैथन का बीएसके कॉलेज, मैथन पुल पार करके दोस्तों अभी हम लोग मैथन पहुंच गए हैं, मतलब मैथन का जो है अब यहां से हम लोग का बाएं मुड़ना है। अब बाएं मुड़ के देखेंगे कि कहां पे हम लोग को व्यवस्था किया गया है पिकनिक मनाने का, तफरी मनाया जाने के लिए। देखिए दोस्तों अगर हम लोग यहां से दाएं चलेंगे तो दाएं वहां पे हम लोग चल जाएंगे सीधा पुल पर, लेकिन हम लोग को जाने नहीं दिया जाएगा, बाएं चलना है। देखिए वहाँ से ऐसे पे गार्ड वहाँ इशारा कर दिए, अब यहाँ हम लोग को चलना है बाएं। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितने सैलानी लोग पहले से पहुँचे हुए हैं, कितने महिला पुरुष जो है अब सेल्फी लेते हुए देख सकते हैं दोस्तों। पीछे इधर साइड में करके मैथन का नज़ारा, इधर दिनकर भाई चलाते हुए गाड़ी व्यवस्था कर रहा है। गजब गेस्ट हाउस भी इधर बन गया, लॉज भी बन गया है जी। देखिए खूब कितना खूबसूरत नज़ारा दोस्तों देख सकते हैं। देखिए दोस्तों अभी हम लोग मैदान की ओर आ चुके हैं, यहीं पर सारा गाड़ी वाड़ी खड़े करने का व्यवस्था है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग मैथन नदी के किनारे हम लोग पहुँचने वाले हैं दोस्तों। अभी देखिए जो आपको दिख रहा होगा सामने पानी सप्लायर, यही पानी धनबाद की ओर जाता है दोस्तों, यही पानी हम लोग पीते हैं, यहीं से इसका सप्लाई है मेन। देखिए दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पिकनिक स्पॉट पर, और यहाँ पे देखिए हम लोग अभी सजाया हुआ है, देख रहे हैं कहाँ पे खाना वाना बन रहा है, दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सारा जितने भी ग्रुप है यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है नाश्ता वगैरह, बड़ा नाश्ता कर रहे हैं। इधर पंकज भैया भी हैं, नाश्ता में क्या है पंकज भैया, क्या मिला है? बैगनी बैगनी एक सब्सक्राइबर आदि का लोग भी आया है, और आयोजक करता यही है लोग भैया, हम लोग आज पिकनिक का देख सकते हैं। इधर मंडल दा बैगनी बैगनी चला रहे हैं, इधर आलोक भैया बैगनी का मजा लुप्त उठाते हुए, इधर शंभू भैया इधर चाय, और इधर राजेश चाय सब करते हुए। इधर हमारा कैशियर साहब है पंकज भैया, मतलब वो कैंसिल कर दिया था, कैंसिल किया तो जाओ। पीछे संजीत भैया है दोस्तों, देखिए अभी आते के साथ हम लोग नाश्ता मिल गया है, और यहाँ देखिए नाश्ता में बैगनी है, और पंकज भैया तो पहले ले चुके, कैसा बनाया भैया बैगनी? बहुत बढ़िया है, बढ़िया टेस्टी है ना। सलेंदर भैया बहुत बढ़िया, सलेंदर भैया तो खा लिए हैं और चाय पी रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं सलेंदर भैया। तो चलिए हम लोग भी चखते हैं बैगनी का मजा लेते हैं कैसा है। दोस्तों देखिए अभी हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और अभी बैगनी का मजा लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एजाज भी आ गए हैं, दिनकर हैं, इधर पंकज भी आए हैं, उधर निगार भी खड़े हैं। देखिए तो दोस्तों उलट गया, कोई बात नहीं, गरम है और स्वाद अच्छा है। इधर देखिए प्रशांत भी है, जाओ ग्लास ले गया तो डिस्पोजल। भाई अच्छा बना है, अच्छा टेस्टी है, टेस्टी है क्या एजाज भैया, टेस्टी है ना। देखिए दोस्तों बैगन का तो हमें कभी मतलब नहीं खाते, हमको अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता हम नहीं खाते थे बैगन, लेकिन आज हम टेस्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्या एजाज भैया, एक नंबर। नादिम आ जाओ, देखिए हमारे जो बावर्ची साहब है इतना बढ़िया बैगनी बनाया है, क्या नाम है भैया आपका? विनोद साहब जी है एकदम A1 का बैगनी, हम काकी बैगन हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो बैगनी हाँ काटने का स्टाइल देखिए, स्टाइल देख सकते हैं काटने का एकदम, रिकमेंड कर दो हाँ, अगर जरूरत है तो विनोद साहू जी का नंबर हम इनमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इनको आप लोग खाना बनाने के लिए इनको बुला सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं। विनोद जी जरा इधर देख लीजिए, मेरे दोस्तों घाय कर दीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे बैगनी छना के निकल रहा है दोस्तों, देखिए हाँ।
यहाँ पे मटर है, यहाँ पे मशरूम है, इधर पूरा सारा सामान वगैरह है, इधर सलाद वगैरह, इधर पकौड़ी वगैरह छनने के लिए, इधर बनने के लिए सारा कट रहा है। देखिए दोस्तों, अभी पकौड़ी का आइटम मतलब लग गया है, इसमें बेसन वगैरह जितना पकौड़ी का आइटम है, प्याज वगैरह सब कट कूट के मतलब उसमें डाला गया है। अभी इसको छाना जा रहा है और पनीर चिल्ली का भी रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों पनीर यहाँ पर कट के रेडी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो रहा अभी, मतलब इधर भैया रेडी कर रहे हैं, देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए पकौड़ी अंदर तेल में छनाने लगा है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं इधर तालाब की ओर, दिखाते हैं अभी हम लोग जो मैथन डैम है उसका दृश्य, पानी का दृश्य दिखाते हैं दोस्तों। मतलब ये हम लोग इधर बहुत साइड में आए हैं दोस्तों, ताकि हम लोग को इधर भीड़, उधर आगे में बहुत ज़्यादा भीड़ था दोस्तों, तो उधर मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए हम लोग इधर से मतलब आदमी हम लोग पहले ही भेज चुके थे, ताकि बढ़िया से साफ़ सुथरा जगह देखकर वहां रोकेंगे। तो हम लोग यहां पर देख ही नहीं है, हम लोग का जगह में साफ़ सुथरा था, वहां पे बैठने उठने के लिए, खाना वाना बनने के लिए बढ़िया व्यवस्था है दोस्तों, और आराम से इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। देखिए दोस्तों पीछे से दिखाते हैं, देखिए कितना मनमोहक दृश्य है दोस्तों। देखिए हम लोग नदी में आ गए हैं, देखिए देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य, कितना मनमोहक दृश्य है दोस्तों। और सब जगह देख सकते हैं कि जितने भी सैलानी आए हुए हैं अपना पिकनिक मना रहे हैं और अपना खाना पीने का व्यवस्था कर रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। ये मैथन डैम का है पानी, कितना सुंदर, कितना मनमोहक और कितना साफ पानी है दोस्तों, देख सकते हैं। इधर साथ में मेरा भाई राजेश भाई बोल दो। बहुत ही मनमोहक दृश्य है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है पानी में। हम लोग को अभी व्यवस्था नहीं है दोस्तों ना, तो अभी हम लोग नहा लेते हैं, अगर गमछा लेके आते तो नहा भी लेते दोस्तों। ये पानी देख के दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे मुड़ी मिक्सचर चल रहा है। अब ये लोग सौतेला व्यवहार, एक में पकौड़ी है एक में नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं भैया, फिर से बोलिए तो। सौतेला व्यवहार हो रहा है, एक में पकौड़ी दिया गया है एक में नहीं दिया गया। एक में पकौड़ी दिया गया है और भैया वो पकौड़ी नहीं मिला है, सही बात है। ये जुल्म हम ज्यादा दिन तक नहीं सहेंगे, जुल्म नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। भैया आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का बात कर रहे हैं, चेतावनी दी है। इधर भी पकौड़ी है, हाँ चाहिए दोस्तों। पंकज भी अभी हल्ला कर रहे थे, पकौड़ी नहीं है, पकौड़ी शंभू भी सर्व कर दिए हैं। आंदोलन कर रहे थे, क्या कर रहे थे भैया? आंदोलन, हल्ला नहीं, आंदोलन कर आंदोलन कर रहे थे। इधर पकौड़ी सर्व करते हुए शंभू भैया बहुत सामाजिक आदमी, अपने ना खा के दूसरों को पहले खिलाते हैं, उसके बाद अपने खुद खाते हैं। इधर और भी जगह जा रहे हैं सर्व करने के लिए। देखिए दोस्तों पकौड़ी बहुत ही लजीज बना है। एकदम कुड़कुड़ा, बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों पनीर चिल्ली बन के आ गया है, पनीर चिल्ली का हम लोग मजा ले रहे हैं दोस्तों। देखिए बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत सुंदर। यहाँ पे रमेश भैया पनीर चिल्ली खाते हुए, इधर सलेंदर भैया पनीर चिल्ली खाते हुए, खाइए सर, टेस्ट बताइए कैसा है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना भैया। हाँ। अच्छा बावर्ची हम लोग अच्छा बनाए हैं, बहुत बढ़िया। ये सब भैया लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए पनीर चिल्ली। इधर आइए भैया, देखिए दोस्तों हमारे बावर्ची भैया लोगों को भी भूख लग गया है, और पूरा प्रेम से एकदम मुढ़ी घुगनी एकदम सान ली है, और उसमें ले लिए हैं एकदम चिल्ली, और उसके बाद उसमें पकौड़ी, और पूरा मस्ती से एकदम खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इधर भी देख लीजिए शंभू भैया, चाय पीना क्या हो किसी को? शंभू भैया बोलिए, कैसा है पनीर चिल्ली? बहुत अच्छा पनीर चिल्ली बनाया है। हाँ। मिस्त्री जी को धन्यवाद, हाँ ना? इतना अच्छा प्रिपरेशन किया है, इतना अच्छा आइटम बनाया है, अभी तक जो भी हम लोग आइटम खाए हैं बहुत ही अच्छा बना है, इसके लिए वो काबिले तारीफ है। मेरा ब्लॉग में कुछ कहना चाहते हैं आप? आपका चंदन बाबू का ब्लॉग कितना बढ़िया बेहतरीन, लोग सब प्रत्येक ब्लॉग को देखते हैं, सब भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ब्लॉग बनाते हैं बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, ये धन्यवाद के पाते हैं। मैं तहे दिल से इनका आभारी हूँ, बाबा ऐसे ब्लॉग बनाते हैं जो हम लोग उसका कहीं भी घर बैठे उनकी यात्रा का आनंद उठा सके। थैंक यू, धन्यवाद शंभू भैया।
पंकज भैया नहीं नहीं इनका ब्लॉग सही में काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा है, आप लोग भी देखिए सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञानवर्धक भी रहता है और कुछ नया होता है तो ये नया करने का कोशिश करते हैं, देखे हैं व्यक्तिगत रूप से हम तो बहुत प्रभावित हैं। और धन्यवाद भैया। पंकज भैया हाँ हाँ बहुत बढ़िया है आपका, आपका ब्लॉग बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, पारिवारिक ये है। दोस्तों जो अभी हम लोग पिकनिक का जो आयोजन करता है, जो मेन संस्थापक है, सबको मतलब बोल के सबसे कलेक्शन ले के सबसे करवा के आलोक भैया आगे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि कैसा रहा भैया पिकनिक आज का? नहीं पिकनिक बहुत शानदार चल रहा है। हाँ जो नहीं आ सके उनके लिए अफसोस है, उन्होंने क्या मिस किया उन्हें पता चलेगा। हाँ लेकिन जो भी आए हम लोग सब मिलजुल के कर रहे हैं और एक आनंदमय अभी तक रहा है, सभी कोई भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। हाँ नाश्ता हो चुका है, सब कोई बोटिंग वोटिंग के लिए जाएंगे। हाँ फिर बाद खाना पीना भी चलेगा जी बिल्कुल। मेरे ब्लॉग में कुछ कहना चाहते हैं भैया? तुम्हारा ब्लॉग बहुत शानदार है। हाँ हर ब्लॉग थैंक यू भैया, प्रस्तुति बहुत अच्छी रहती है और बहुत अच्छा तुम्हारा एंकरिंग भी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए दोस्तों देख सकते हैं आते आते यहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लगी है, सभी सैलानी लोग आ चुके हैं और अपना पिकनिक इंजॉय करते हुए। कितना मनमोहक दृश्य है दोस्तों, पानी और ये टापू कितना सुंदर दृश्य लग रहा है दोस्तों, लग रहा है कि जैसे हम लोग कहीं बीच उच पर आ गए, समुंदर के बीच पे। देखिए और भी गाड़ी आते हुए यहाँ पे, बहुत दूर दूर से सैलानी लोग यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं सभी हम लोग घूमने के लिए उधर नदी के तरफ, देख सकते हैं पीछे सब भैया लोग हैं, पीछे से सब लोग भैया लोग आ रहे हैं। कितना बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, और ये जो बना हुआ है बीच, मतलब बीच नदी के अंदर गया हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए सारा यहाँ पे सेल्फी लेते हुए जितना युवा युवतियाँ हैं, ये देखिए फोटो खिंचाते हुए। इधर दोस्तों देखिए सब पिकनिक मना रहे हैं, इधर खाना वाना बन रहा है। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, शंभू भैया पूछ दे दिए हैं, पानी के करीब पहुँच गए हैं शंभू भैया, पूरा एकदम काला चश्मा काला टोपी एकदम दबंग लुक में है शंभू भैया। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इधर आलोक भैया, बड़ी चिंता हो रहा है। दोस्तों यहाँ सेल्फी पॉइंट में देखिए सभी लोग, हम लोग जितने भी थे सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सेल्फी यहाँ लेके फोटो ले। ये हमारे सुमन भैया, ये हमारे सुमन भैया हैं, और सुमन भैया पूरा एंजॉय करते हुए इधर पंकज भैया। देखिए दोस्तों सबसे लास्ट में भी, लास्ट पोर्शन पर भी यहाँ पर पिकनिक लोग मनाते हुए एकदम नदी के मुहाने में, मतलब तालाब के मुहाने में, डैम के मुहाने में। देखिए दोस्तों सबसे लास्ट पर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ भैया उठा के लाए, हाँ तो रिक्स उठा ही के लाए। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि दूर में तब नौका विहार करते हुए स्टीमर उधर आगे की ओर पहाड़ की ओर गया हुआ है, कोने कोने में घुस घुस के सब बैठे हुए हैं अपने अपना पिकनिक का एंजॉय करते हुए, खाना बनाते हुए, डांस करते हुए, कुछ लोग इधर नहा भी रहे हैं देख सकते हैं। इधर पंकज भैया मुआयना करते हुए हैं दोस्तों, नौका विहार करते हुए स्टीमर चल रहा है डैम में। देखिए दोस्तों यहाँ पर ठंडा आ गया है, अब ठंडा चल रहा है, खाना खाने नाश्ता जो किए हैं वो पचाने के लिए यहाँ पर ठंडा आया है दोस्तों। हम लोग का टीम मैनेजर आलोक के बाद यहाँ ठंडा सबका चल रहा है, सर्व हो रहा है। देखिए जोशी भी आपको नहीं मिला क्या? जोशी भैया को देखिए दोस्तों ठंडा आ गया है, ठंडा का मजा लेते हैं। यहाँ पे देख ले समुंदर भैया, सन भैया, नदी भैया, ठंडा स्प्राइट स्प्राइट का आनंद लेते हुए, ठंडा में ठंडा का आनंद लेते हुए। देखिए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पूड़ी अब रेडी होने लगा है, पूड़ी बनाने लगा है, बाकी सारा आइटम बन चुका है, सब सलाद बन गया है।
सब्जी वगैरह में पनीर वगैरह है, उधर रायता वगैरह है, रायता वायता है। ये दिखाई तो भैया क्या है, चावल पुलाव, पुलाव है, हाँ जीरा राइस। देखिए दोस्तों ये जीरा राइस, यहाँ देखा तो ये दाल है ना, ये दाल है। देखिए दोस्तों ये दाल है, और क्या है, और बना है इधर मटर मशरूम, इधर मटर मशरूम नहीं, इधर पनीर है ना, पनीर बटर मसाला है, पनीर बटर मसाला, ये मटर मशरूम, इधर रायता है, सलाद है, सलाद है, उधर देखिए सलाद है, और वहाँ पे देखिए वहाँ मिठाई है, मिठाई है आपका, हाँ देखिए दोस्तों अभी रेडी हो चुका हम लोग खाना, अब निकल रहा सर्व करने के लिए सबको। इधर पूरी मतलब तेल गरम हो रहा है दोस्तों, देखिए इधर तेल गरम हो रहा है, अब यहाँ पूरी भी पिला रहा है दोस्तों, कुछ देर में पूरी मतलब छनाएगा। इधर देखिए दोस्तों, इधर सब भैया लोग बैठने का इंतजाम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों सारा सीटिंग का अरेंजमेंट हो रहा है, कुछ टेबल पर बैठेंगे, कुछ नीचे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे नहीं, टेबल पर कुछ नीचे, संभव है खाना सर्व करते हुए। जीरा राइस सर्व कर रहे हैं, भोजन की व्यवस्था की गई है, हाँ शुद्ध शाकाहारी। हम लोग अभी सर्व हो गया है चावल, जीरा राइस। देखिए दोस्तों चावल पूरा खिला खिला बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ आलोक भैया स्टार्ट भी कर चुके हैं खाने के लिए, आलोक भैया को भूख लग गया था, उधर एजाज भैया भी भूख लग गया था, और निगार भैया भी लग रहा पूरी दबा रहे हैं। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे लग गया है, यह जीरा राइस है, इधर पनीर है, इधर पूरी है, इधर मटर मशरूम है, इधर दाल है, और सलाद भी आ गया है दोस्तों। आप चलिए अपने आत्मा को तृप्त करते हैं खा के दोस्तों। पहले सबसे पहले पनीर को टेस्ट किया जाए, वाह पनीर लाजवाब है। क्या बाल बाबू कैसा लग रहा खाना, बहुत अच्छा। संत भैया डिलीशियस, नदीम भैया वेरी डिलीशियस, आप लोग भैया कमेंट करिए कैसा लग रहा खाना, बहुत बढ़िया दोस्तों। खाना हो गया, अब खाना के बाद देखिए दोस्तों मीठा भी आ गया है, और कितना जबरदस्त मीठा लग रहा है, चलिए इसको टेस्ट करते हैं मीठा को, रसगार के मुंह में डालते ही अंदर घुल गया है दोस्तों। संभव भैया का भी हम लोग खाना खिलाने के बाद, संभव भैया भी खाना खा रहे हैं, इधर साथ उनका देने के लिए बैठे हुए हैं जय भैया, और इधर संजीत भैया इधर खाना खा के सब आराम कर रहे हैं, और इधर प्रशांत भी अपना खाना खाने में लगा हुआ है, बट 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 तुम बैठो, और इधर राजेश भी, राजेश बेचारा हम लोग खाना खिला रहा था और बेचारा अपना खाना ले रहा है, इधर सुमन भी उसको सर्व कर रहे हैं। हेलो मुझे नौसाद दिख गया ना, देखो प्रशांत राजेश। देखिए दोस्तों अभी हम लोग खाना पीना हो गया है, और यहाँ सामान वामान वगैरह हम लोग सब रख लिए हैं, और उसके बाद देखिए लास्ट चाय बन रहा है, चाय बनने के बाद चाय पीने के बाद हम लोग निकलेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे मतलब जो बैठने वाला दरी है उसको, दरी को समेटा जा रहा है। देखिए अब हम लोग निकलने का प्रबंध कर रहे हैं दोस्तों, सारा सामान हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम लोग घर की ओर चलेंगे। देखिए अब चाय आ गया है, अब चाय का आनंद लेते हुए इधर हमारे बड़ा बाबू भी आ गए हैं चाय लेके, और जैकेट भी लगा ली है, अब थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा क्योंकि शाम हो गया है, अब ठंडा लग रहा है, हम भी जैकेट पहनेंगे, तो चाय का आनंद लेते हैं हम लोग, हाँ चाय पीने के बाद हम लोग अपने घर की ओर निकलेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, और मेरे चैनल को प्यार दीजिए ताकि मेरा चैनल आगे ग्रो कर सके। बहुत पैसा यार, कोई नहीं जाएगा खोलने रे भाई, लोग का जाल है। देखिए दोस्तों हमारे पंकज भैया कुछ बोल रहे हैं ब्लॉग के बारे में, पिकनिक में जितना लोग खाना खाए, खाना क्या पिकनिक मनाए हैं, वो सबसे अपील है हमारा कि आप लोग घर जाइए, मोबाइल सब लोग अपना हित जान परिवार जितना भी है
सबको बोल दीजिए, सब लोग लाइक करें, आप फॉरवर्ड करें, कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नहीं करेगा खाली खा के जाने से नहीं होगा, ये कंपलसरी है सभी लोगों के लिए। बोलिए जय हिंद। याद रखिए, भूलिएगा नहीं, चंदन ब्लॉग, चंदन कुमार ब्लॉग, चंदन कुमार ब्लॉग, चंदन कुमार ब्लॉग। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं घर की ओर। देखिए अब हम लोग गाड़ी में अपना बैठ रहे हैं दोस्तों, देखिए भैया लोग बैठ रहे हैं सब। उसके बाद अब हम लोग गाड़ी अपना खोलते हैं, अब मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट अगले ब्लॉक में।